तो भाइयों और बहनों हमारे साथ बोलिएगा अब की बार 400 पार। ना रे बाबा ना, अब की बार सिर्फ और सिर्फ KKR। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 16-18 रनों से मात देकर प्लेऑफ में अपना जगह सुनिश्चित कर लिया है। आईपीएल 2024 की वो पहली टीम बन चुके हैं जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के आगे क्यों लग चुका है। क्या बेहतरीन ये संस्करण गया है? जो सबसे बड़ा बदलाव इस टीम में हुआ था, गौतम गंभीर बतौर मेंटर, और उन्होंने पूरी तरीके से तस्वीर बदल दी इस टीम की, तकदीर बदल दी और प्लेऑफ में पहुंचा दिया। और इस संस्करण में सबसे बेहतरीन अंदाज में किसी टीम ने खेला है तो वो कोलकाता नाइट राइडर्स ने खेला है। दम लगाकर खेला है, जोर लगाकर खेला है, कमियों और खामियां होने के बावजूद भी मुकाबले जीत कर दिखाया है। और यह दर्शाता है कि भैया इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स ट्रॉफी जीतने की सबसे बड़ी हकदार टीम भी है। अगर आज के मुकाबले की बात करें तो इनकी प्लेइंग 12 और भी मजबूत, और भी सुदृढ़, और भी सशक्त दिख रही थी, क्योंकि नीतीश राणा की इस प्लेइंग 12 में एंट्री हो चुकी थी। यही पर कमी थी जिसके कारण काफी अप्स एंड डाउन प्लेइंग 11 में हो रहे थे। अंकरिश रघुवंशी को खिलाना पड़ रहा था, नंबर 3 पर उनका परफेक्ट स्लॉट था और वहीं पर उनको खिलाने की वजह से वेंकटेश अय्यर काफी नीचे आ रहे थे जो उनका प्रिफरेबल स्लॉट नहीं है। श्रेयस अय्यर को काफी नीचे कभी कभी आना पड़ जा रहा था। रिंकू सिंह की बैटिंग पोजीशन के साथ न्याय नहीं हो पा रहा था। तो भैया चीजें काफी अप्स एंड डाउन जा रही थी बल्लेबाजी क्रम में। लेकिन इस मुकाबले में नीतीश राणा जो ही आए, वेंकटेश अय्यर नंबर 3 पर गए, श्रेयस अय्यर 4, फिर रसेल, रिंकू, रमनदीप सिंह अपने यूजुअल पोजीशन यानी कि अकॉर्डिंग टू द बैटिंग सिचुएशन बैटिंग करने आते हैं। जमकर बेहतरीन अंदाज में आज के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी की गई। ये टीम भैया पूरी तरीके से नए अप्रोच के साथ खेली है। यहां पर पूरा प्लान सेट था कि कुछ भी हो जाए हमें अपने आप को डिफेंसिव अप्रोच में नहीं जाना है, अपने आप को सेल में नहीं लाना है। जो भी जाएगा खुलकर खेलेगा, ताबड़तोड़ अंदाज में खेलेगा, यह नहीं सोचेगा कि 4 गिर गया है, 5 गिर गया है। और इसी वजह से इतना ज्यादा बैटिंग डेप्थ गौतम गंभीर ने इस टीम का रखा हुआ। आप सोच सकते हैं कि मिचेल स्टार्क जैसा खिलाड़ी जो कि बल्लेबाजी कर सकता है, उसका इस पूरे संस्करण में बतौर बल्लेबाज उपयोग तक नहीं किया गया। ये इस टीम की बैटिंग डेप्थ थी। रमनदीप सिंह नंबर 8 पे आते थे और वहां पर वो अपना जलवा दिखाकर जाते थे, यानी चिंता कुछ था ही नहीं। लेकिन यहां पर सॉलिडिटी के लिए श्रेयस अय्यर भी थे, वेंकटेश अय्यर भी थे जो कि परिस्थितियों के हिसाब से खेल सकते थे। वहीं जो भैया ओपनर बल्लेबाज के तौर पे सुनील नरेन ने किया या फिर फिल साल्ट ने किया, उसको आप भूल नहीं सकते। और उन्हीं दोनों का जो प्लेटफॉर्म सेट किया गया था इस संस्करण में, रसेल, रिंकू, रमनदीप सिंह ने उसका बखूबी फायदा उठाते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को एक भयावह टीम बनाकर दिखा दिया है। और ये टीम ऐसा लग रही है कि टाइटल जीत सकती है, इसमें पूरा पोटेंशियल है, क्योंकि इनकी अब तेज गेंदबाजी विभाग भी अच्छा होते जा रहा है। वहां पर स्टार की वापसी हो रही है, नीतीश हर्षित राणा के रूप में एक होनहार गेंदबाज मिल चुका है। उसके अलावा जो स्पिन डियो है इनका, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन, वो तो भैया माशाल्लाह है, उनका कोई तुलना ही नहीं कर सकता। जब भी मुकाबले पावर प्ले में खो देते हैं, वहां पर वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन वापसी कराते हुए दिखते हैं, जैसा कि आज के मुकाबले में दोनों ने कराया। खासकर वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म हालिया बहुत शानदार है, विकेट निकाल रहे हैं और इकोनॉमिकल तो है ही। आज के मुकाबले में अगर किसी ने वापसी कराई है इस मुकाबले में तो वरुण चक्रवर्ती हैं, फिर उसके बाद बात करें तो आंद्रे रसेल हैं। तो हर तरीके से हर एक खिलाड़ी अपना 100% देता हुआ दिख रहा है। और ये जो कला है गौतम गंभीर की कि हर एक खिलाड़ी का 100% निकालने का, वो काबिले तारीफ है। ये अकाउंटेबल खिलाड़ी है, ये अपने मालिक को अपना 100% देकर दिखाता है। और पहले ही कह चुके थे कि KKR जिस भी पोजीशन में थी, मैं इतना इंश्योर कर सकता हूं कि उससे बेहतर पोजीशन में KKR को इस संस्करण में छोड़ूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि पहले ही संस्करण में बागडोर थामते ही इन्होंने KKR को 7वें आसमान तक पहुंचा दिया है। अब बात कर लेते हैं आज के मुकाबले की। तो गुरु पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स का शुरुआत अच्छा नहीं था। वहां पर नरेन का विकेट गिरा, वहां पर फिल साल्ट का विकेट गिरा, श्रेयस अय्यर भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद वेंकटेश अय्यर अपने पसंदीदा टीम के सामने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। उन्होंने 42 रन बनाए 21 गेंदों पर। नीतीश राणा ने 33, रसेल ने 24, रिंकू सिंह ने 20, रमनदीप ने 17। और इन सभी छोटे पारियों की बदौलत KKR ने 157 रन 7 विकेटों के नुकसान पर बनाए।
उसके बाद जब चेज में मुंबई उतरी तो ईशान किशन ने तो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की, लेकिन वहीं उनके साथी खिलाड़ी रोहित शर्मा फंसते हुए नजर आ रहे थे। रोहित शर्मा नो बॉल भी पाए थे, फ्रीड भी पाए थे, उसके बावजूद अगर हम उनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो बिलो 100 था। स्पिन के खिलाफ ये जो इनका स्ट्रगल है या रोहित शर्मा का जो अभी तक बल्ला शांत है वो कॉज ऑफ कंसर्न है। ईशान किशन 40 बनाते हैं, रोहित 19 बनाते हैं, तिलक 32 बनाते हैं और पूरी तरीके से इनकी बल्लेबाजी फ्लॉप हो जाती है। ना हार्दिक का बल्ला जलता है, ना अन्य कोई खिलाड़ी साथ देता हुआ दिखता है, जिस कारण से ये टीम ये मुकाबला 18 रनों से हार जाती है। हर्षित राणा के नाम 2, नरेन ने 3 ओवर में 21 रन मात खर्च करके 1 विकेट, चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट, रसेल ने 3 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट। यानी कि ये जो 7 ओवरों का स्पिन का स्पेल था उसने पूरा कायाकल्प किया इस टीम का। मात्र 38 रन खर्चे हैं, 3 विकेट निकाले हैं 7 ओवरों में, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मोमेंटम पूरी तरीके से केकेआर के फेवर में नरेन और चक्रवर्ती ने मोड़ा है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स इस साल आईपीएल ट्रॉफी जीता सकती है या नहीं जीता पाएगी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।